जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंदर सिंह देओल। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों को अनुदान में दिया जा रहा है कृषि उपकरण। मौसम के अनुसार दे मुर्गियों को आहार। निकाय गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है ग्रबर। राज्य में कृषि विकास नीति के तहत चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना द्वारा राज्य के कृषकों को निर्धारित अनुदान पर कृषि उपकरण मुहैया कराए जाते हैं, जिनसे कृषक फसलों का उत्पादन बढ़ाकर लाभान्वित हो सके। कृषि उपकरणों की सहायता से किसान अपनी मेहनत को दोगुनी करके ज्यादा उत्पादन लेने में समर्थ होते हैं। इसी के मद्देनजर एक योजना के तहत भूमि संरक्षण विभाग राज्य में प्रखंड स्तर पर निर्धारित अनुदान पर अनेक छोटे बड़े कृषि उपकरण कृषकों को मुहैया कराती है। इस उपकरण द्वारा जहां राज्य के कृषि उत्पादों में बढ़ोतरी होगी, वहीं किसान भी लाभान्वित होंगे। किसान भाइयों, मौसम के बदलाव के साथ जिस प्रकार हम अपने आहार विहार में बदलाव लाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने पशुओं के खान पान में भी बदलाव लाने की आवश्यकता होती है, ताकि मौसम के दुष्प्रभाव से वे बचे रहें। आइए जानते हैं गर्मी के मौसम में मुर्गियों को क्या आहार दें। गर्मी के मौसम में देसी और ब्रॉयलर दोनों प्रकार की मुर्गियों में गर्मी का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को कम करने के लिए हमारे किसान भाई विटामिन मिनरल का जो मिश्रण होता है वो दे, और साथ ही साथ चूँकि अगर खाने में कुछ मुर्गियां कम खा रही हों तो उसे लीवर टॉनिक जो है, या एम्बीप्लेक्स के नाम से एक टॉनिक आता है, या लीवर टॉनिक विभिन्न नामों से आता है, वो उसके पीने के लिए अवश्य दे। इससे क्या है कि जो प्रतिकूल प्रभाव जो गर्मी का पड़ रहा है उससे हमारी जो भी मुर्गियाँ हैं उनके बढ़ोतरी पर किसी प्रकार प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फूलों की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती। फूलों की खेती वैज्ञानिक विधि से की जाए तो निश्चित व फायदेमंद साबित होगी। यदि किसान गेंदा फूल की खेती करना चाहते हैं तो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए गेंदा के उन्नत प्रभेद लगाएं। गेंदा के उन्नत प्रभेदों में पूसा बसंती, पूसा नारंगी, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा अच्छे माने जाते हैं। पूसा बसंती, पूसा नारंगी, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा, गेंदा फूल के उन्नत प्रभेदों में झारखंड की मिट्टी और जलवायु के लिए अच्छे माने जाते हैं। इनकी 1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर भूमि के हिसाब से लेकर पहले नर्सरी में इसकी बुआई कर पौधे तैयार कर लेने चाहिए। उसके बाद तैयार पौधों को खेत में रोपाई करनी चाहिए। साथ ही सिंचाई, निकाई जैसे उचित कृषि कार्यों को समय पर करके 150 से 200 क्विंटल गेंदा फूल प्राप्त किया जा सकता है। आम के पेड़ों पर टिकोले लगने लगे हैं। इस अवस्था में कभी कभी पेड़ की टहनियों पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, जो आम के उपज को प्रभावित करते हैं। कुछ उपायों को करके इन धब्बों को दूर किया जा सकता है। वे उपाय क्या हैं? आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। आम का मंजर जो है अभी मटर के दाने के आकार का हो गया है, और इस अवस्था में मंजर पे आम मंजर के टहनियों पे छोटे छोटे काले धब्बे दिखाई देते हैं। यह फफूंद जनित रोग है। इसकी रोकथाम के लिए कार्बंडाजिम जो बाज़ार में बेवेस्टिन है, अनुस्टिन आदि कई व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, इनकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके किसान भाव छिड़काव करें, इससे इस बीमारी का रोकथाम किया जा सकता है। निकाय गुड़ाई का काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान ग्रबर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पंक्तिबद्ध फसल लगी हो तो यह कृषि उपकरण एक दिन में लगभग आधा एकड़ खेत में निकाय गुड़ाई करने में सक्षम है। किसी भी फसल में जिसमें कि निकाय गुड़ाई करनी रहती है उसमें ये मजदूरों का भारी समस्या से जूझते हैं। इसके लिए एकमात्र उपाय है इनका विकल्प के रूप में, वो है ग्रबर। ग्रबर के द्वारा किसान भाई अपने खेतों में खुद जो है सो एक दिन में करीब करीब 1/4 से लेकर आधा एकड़ तक खेत की निकाई गुड़ाई ग्रबर के द्वारा लाइन में यदि खेती किए हुए हैं तो किसी भी फसल की कर सकते हैं।
कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो चलते हैं किसान के पास और जानते हैं कि सफल किसान का खिताब उन्होंने कैसे पाया। मैं स्नातक करने के बाद खेती बाड़ी में, जब नौकरी चाकरी नहीं हुआ तो खेती बाड़ी में लग गया और सब्जी के साथ साथ एवं पुरानी परंपरागत फसलों के साथ साथ मैं बागवानी पर विशेष ध्यान दे रहा हूं। मैं अपने बंजर भूमि लगभग 35 एकड़ और अन्य किसानों का भी मिलाकर है, उस पर CCDS के सहायता से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आम का फसल लगाया हूं, जो लहलहा रहा है और आपके सामने बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जब इसे इसका उत्पादन शुरू होगा तो इससे हमारी आर्थिक समृद्धि होगी, आमदनी में वृद्धि होगी। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस, देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस, गोड्डा अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस, कोडरमा अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रही, इनमें कमोबेश नरमी का ही रुख रहा। उधर सब्जी मंडियों में भी नरमी का रुख है। हरी सब्जियों की बाजार में अच्छी आवक से मूल्यों में नरमी है। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए, चावल उत्तम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए, गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए, दाल अरहर न्यूनतम 5500 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए, दाल मसूर न्यूनतम 4200 रुपए से लेकर अधिकतम 5200 रुपए, दाल चना न्यूनतम 3200 रुपए से लेकर अधिकतम 4100 रुपए, चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए, आलू न्यूनतम 600 रुपए से लेकर अधिकतम 800 रुपए और प्याज न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। खबरें खेती के अंतर्गत आपने जाना मंडी भाव, मौसम का हालचाल, साथ में कृषि की नई तकनीक और कृषि के नए उपकरणों की जानकारियां भी आपको मिली। पाठक बाबा, आज हमारे किसान भाइयों के लिए आप क्या जानकारी लेकर आए हैं? अरे बताते हैं भाई, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक अल्प विराम का। और आप देखिए संदेश, ये लो। और बताओ? बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हम फिर से स्वागत करते हैं। आप कौन सी विशेष जानकारी आज देने वाले हैं पाठक बाबा? आज जो हम पहली जानकारी लेकर आए हैं वो है झारखंड के परिवेश में सुकर पालन कैसे करें, और इस संबंध में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर असद हुसैन जी और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान अपने आमदनी में बढ़ोतरी के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और विभिन्न पशुओं जिनमें मुर्गी, मछली, गाय, बकरी और सूकर पालन प्रमुख रूप से आता है।
सही तरीके और नस्लों का चुनाव कर हम कम समय में पशुओं का पालन कर ज्यादा लाभ कमाते हैं। शुकर पालन आज के समय में ज्यादा लाभकारी व्यवसाय उभर कर सामने आ रहा है। झारखंड के परिवेश में शुकरों में देशी से ज्यादा संकर नस्ल के पालन का चलन अधिक है, क्योंकि ये कम समय में ही जल्दी वृद्धि तथा इनका वजन भी ज्यादा होता है। TND नस्ल के शुकर का पालन सबसे ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि एक साल में इसका वजन 80 से लेकर 100 केजी तक हो जाता है, जबकि देशी नस्ल के शुकर का 40 से 45 केजी ही वजन रहता है। देसी शुकर 2 साल में 7 से 8 महीने के अंतराल पर 7 से 8 बच्चे देते हैं, जबकि TND नस्ल के शुकर 6 महीने के अंतराल पर 12 से 13 बच्चे देते हैं। तो व्यवसाय के रूप में TND नस्ल के शुकर का पालन करना ज्यादा लाभकारी होता है। किसान भाई जो देसी शुकर को पाल रहे हैं, इसके शरीर का बढ़ोतरी जो है सो एक विदेशी नस्ल की संकर शुकर प्रजाति है उसके तुलना में ये इसकी बढ़ोतरी कम है। और साथ ही साथ हमारे अभी रांची में जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, इसके में रांची पशु चिकित्सा पशुपालन महाविद्यालय में देसी नस्ल की शुकर जो काले रंग की होती है, इसका जो संयोग एक विदेशी नस्ल के नर शुकर जो ब्रिटेन की या विलायती शुकर टैमवर्थ से करा करके एक नई नस्ल या नई प्रजाति विकसित की गई है, जिसे टैमवर्थ और देसी या शॉर्ट में उसे TND बोलते हैं। तो ये TND नस्ल जो है सो हमारे झारखंड के परिवेश में किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी नस्ल है, क्योंकि इसमें जो कुछ गुण हैं वो देसी शुकर में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। अब इसमें अगर हमारे किसान भाई देखेंगे कि इसमें पहला गुण है कि इसका भी शरीर का रंग काला होता है, जो देसी शुकर का भी काला होता है। इस वजह से इसका जो बाज़ार में इसकी मांग है, इसके मांस की जो डिमांड है वो बाज़ार में अधिक है। साथ ही साथ इसके शरीर की बढ़ोतरी जो है सो देसी शुकर के तुलना में अधिक है, क्योंकि देसी शुकर जो है सो एक साल में जिसके शरीर का बढ़ोतरी अगर आप देखेंगे तो 40 से 45 केजी होता है, लेकिन इस नस्ल की जो ये प्रजाति जो है जिसके शरीर का बढ़ोतरी जो है सो एक साल में आप देखेंगे तो 80 से 90 या कभी कहीं कहीं तो ऐसा भी पाया गया कि एक साल में 100 केजी का भी हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि देसी जो शुकर है वो आप ये हमारे किसान भाई जो पाल रहे होंगे देसी शुकर उन्हें इस चीज़ का ज्ञान होगा, अन्यथा मैं बतला देना चाहता हूँ कि देसी शुकर जो है सो 2 साल में 3 बार बच्चे देती है, अर्थात उसके बच्चे देने का अंतराल कम से कम 7 से 8 महीना होता है, जबकि इस नस्ल की प्रजाति का जो है सो वो 6 महीने के अंतराल पर बच्चे देती है। और इसके अतिरिक्त इस नस्ल की प्रजाति जो है इसमें बच्चों की संख्या अधिक होती है। इसमें हमारे किसान भाई अगर जिसका पालन प्रबंधन अगर ठीक से करेंगे तो इसे 12 से 14 बच्चे एक ब्यान में मिल जाएगा, जबकि देसी नस्ल में जो है सो 7 से 8 बच्चे ही एक बार में मिल पाते हैं। सूकरों के ठीक ढंग से देखभाल के लिए आवास व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों के सलाह पर इनकी आवास व्यवस्था रखनी चाहिए, जिसमें गार्ड रेल और क्रीप बॉक्स जैसे घर का निर्माण सूकरों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहता है। जो सूकर का घर है उसे जो वैज्ञानिक तरीका है जिसमें बच्चे के मरने की संभावना कम हो उस हिसाब से बनाया जाना चाहिए, और उसका तरीका है कि एक गार्ड रेल होता है और एक क्रीप बॉक्स होता है, दो चीज़ होती है। गार्ड रेल जो होता है वो अगर 10 फीट बाई 12 फीट का कमरा हो, उसमें अगर एक कोई मादा सुकरी है संकर नस्ल की TND नस्ल की सुकरी है बच्चा दिए, अगर 12 बच्चे हों तो संभावना ये रहती है कि एक दो बच्चे सुकर से ही दब के मर जाते हैं दूध पीने के क्रम में। और कभी ऐसा भी होता है कि जनरली सुकरी जो है वो दीवार के सहारे लग करके बैठती है, तो उस स्थिति में अगर हमारे किसान भाई दीवार के सहारे से थोड़ा कम से कम 6 इंच से 8 इंच की दूरी पर और दीवार से हट करके और ऊंचाई जो है सो अगर वो रखे 10 इंच ऊंचा, अगर एक लोहे का पाइप लगा दे दो जगह सपोर्ट से एक किनारे में, तो वो समझिए कि ये उसका एक गार्ड रेल का काम करता है। सुकरों में जल्दी वृद्धि के लिए संतुलित मात्रा में आहार देना अति आवश्यक है। इनके आहार को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें स्टार्टर राशन जब सुकरों का वजन 10 से 25 केजी होता है, ग्रोवर राशन जब वजन 26 से 45 केजी तथा फिनिशर राशन जब वजन 45 से अधिक हो तब यह आहार दिया जाता है। दैनिक आहार में सुकरों को साग सब्जियां या घर के बचे जूठन और दाना मिश्रण देना आवश्यक होता है। सही मात्रा में दाना मिश्रण जिसमें 64% मक्का का दर्रा, 15% खल्ली, 20% चोकर तथा 10 केजी दाना मिश्रण में 200 ग्राम खनिज लवण का मिश्रण कर सुकरों को आहार के रूप में देना फायदेमंद रहता है। स्टार्टर राशन जो होता है वो उसकी मात्रा होती है कि वो जब उसके बच्चे का जो शरीर का वजन जो है सो 10 से जब 25 केजी तक का हो तब उसे हम सुकर के बच्चों की स्टार्टर राशन देते हैं, जिसका एक अवयव बनाने का एक अलग होता है। और फिर जब 26 से 45 केजी तक के शरीर का वजन होता है तब उसे हम ग्रोवर राशन देते हैं, और 45 केजी से जब अधिक शरीर का वजन हो जाता है तब उसे हम
फिनिशर राशन देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बढ़ते हुए शुगर के बच्चों को जो किसान भाई अगर अधिक लाभ पाना चाहते हैं तो उस स्थिति में उसे जो दाना मिश्रण दिया जाना चाहिए उसका मैं उनको एक जो मुख्य अवयव बता देता हूँ कि उसमें हमारे किसान भाई कम से कम 64% जो है सो मकई का दर्रा दें और 20 से 25% वो खल्ली दें, और उस या अगर खल्ली कम करना चाहे तो 15% भी दे सकते हैं, और बाकी जो है सो अगर वो 65% या 64% अगर वो मकई का दर्रा देते हैं, 15% अगर वो खली देते हैं तो 80% हो गया, बाकी 20% जो है सो उसमें वो चोकर दे दें। और इसके अतिरिक्त उसमें जो है सो अगर 10 kg दाना मिश्रण बनाते हैं तो उसमें 200 g जो है सो खनिज लवण का मिश्रण दे दें, तो ये उससे एक बढ़ते हुए शुकर के लिए एक अच्छा उचित आहार होगा। शुकरों के पालन में ठीक ढंग से देखभाल ना करने की स्थिति में बहुत सारे रोग लग जाते हैं, जिनमें स्वाइन फीवर, पिगलेट एनीमिया रोग प्रमुख हैं। इन रोगों से बचाव के लिए समय समय पर टीका तथा पशु चिकित्सक से सलाह लेना फायदेमंद रहता है। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर पशुपालक शुकर पालन से बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। शुकर में जो मरने की संभावना होती है वो शुकर ज्वर या स्वाइन फीवर से होता है, तो स्वाइन फीवर का टीकाकरण हमारे किसान भाई उसको करवा ले, और जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय भी कभी कभी ऐसा होता है कि खून की कमी से जो बच्चा मरता है तो पिगलेट एनीमिया एक रोग होता है, तो उसके लिए इम्फेरॉन का इंजेक्शन आता है जो एक एम्पुल में आता है, 1 ml एम्पुल जो है सो प्रति शुकर के बच्चों को दे देने से वो पिगलेट एनीमिया से मरने की संभावना भी शुकर बच्चों को कम हो जाती है। तो कैसी लगी आज की ये जानकारी? सचमुच पाठक बाबा, आज की ये जानकारी तो बहुत ही खास थी और बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरी जानकारी भी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक अल्प विराम का, और आप देखिए संदेश। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत? किसकी क्या जरूरत है? अरे मिलता तो है बाजार में। क्या मिलता है बाजार में, बुझो तो जाने। अरे बुझावन भैया, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो, साफ साफ बताओ ना क्या बात है। अरे किसना, इनके कहने का मतलब है ना कि जब बाजार में रेडीमेड उर्वरक सुंदर सुंदर बोरा में बंद मिलता है तभी गोबर में लिसराने का क्या जरूरत है। क्या फायदा? हमको बुड़बक समझे हो क्या? ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग हमारे खेत को बंजर बना देता है, इसलिए हम अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। आप भी अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग करें। कहा कृष्णा, कल काहे नहीं आए थे? काहे में मालिक, ऊ काहे भेड़ चढ़ भी चढ़ गया का? अरे कहा रे बल्लो, काहे डांट रहे हो? देखिए ना भैया, कृष्णा कल काम पर नहीं आया था। अरे तेरा बाप का खेत है, जब मन किया आया, जब मन किया नहीं आया। मालिक, बेटे को बुखार हो गया था मालिक, उसको दिखाने के लिए सरकारी अस्पताल ले गए थे मालिक, इसलिए नहीं आ सके मालिक। माफ कर दीजिए मालिक। माफ कर दीजिए मालिक, हम कुछ नहीं जानते हैं। तेरा पगार से पैसा कटेगा, है बोलो, आठ में है पैसा। चल कृष्णा। मास्टर जी आप? अरे तेरे पास तो अपना खेत है ना, फिर तू जमींदार के खेत में मजदूरी क्यों करता है? कहे का खेत मास्टर जी, छोटका सा तो खेतवे है, उसमें खेती बारी करते हैं, वो खाने ही में खत्म हो जाता है। सुन कृष्णा, तुम्हारा खेत इतना ही छोटा है तो तू उसमें मत्स्य पालन कर ले। मत्स्य पालन? हाँ, तू अपने खेत को खुदवा कर उसे छोटे तालाब के रूप में तब्दील कर दे और उसमें मछली पालन कर। मछली पालन में बहुत पैसा है, तेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और तुम्हें जमींदार के खेत में जाकर मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। ये तो ठीक कहा मास्टर जी, अब दूसरों के खेत में काम करना बंद और मत्स्य पालन शुरू। अच्छा गौरी, वो दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी तुम पाठक बाबा से पूछ लो। क्या देने वाले हैं पाठक बाबा, आप ही बताइए दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है कि गर्मियों में हम सब्जियों की देखभाल कैसे करें, और इस संबंध में विस्तार से जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर AK द्विवेदी जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हमारे सहयोगी नरेश पौरानी। दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, आज हमने विषय चुना है कि गर्मी में सब्जियों की देखभाल कैसे करें। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कृषि वैज्ञानिक AK द्विवेदी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों जी। डॉक्टर साहब, आज हमने विषय चुना है कि गर्मी के समय में हमारे किसान भाई बहुत सारी सब्जियां लगाते हैं जी। हाँ, तो इसका सही देखभाल वो कैसे करेंगे? जी जी, किसान भाइयों, गर्मी में फसलों में 3-4 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
पहला तो सिंचाई का व्यवस्था ठीक ठाक हमारा रहे, सब समय और सही मात्रा में सिंचाई हो जी जी। दूसरा पोषक तत्व का प्रबंधन, और तीसरा रोग कीट से लड़ने की व्यवस्था। रोग कीट से लड़ने की व्यवस्था में केवल रासायनिक दवाएं भर ही नहीं आती हैं, आजकल आपको विविध किस्में भी हैं जो कि अनेक रोग या कीट के प्रति रोगरोधी होती हैं या सहिष्णु होती हैं, उनका प्रयोग। रोग कीट प्रबंधन में किसान भाई अपने बीजों को हमेशा बीजोपचार करके, बेविस्टिन नाम की दवा आती है कार्बेंडाजिम, उससे प्रति किलो बीज 2 ग्राम दवा आप उसमें मिला करके तब अपने खेतों में डालिए, ताकि अधिकतर रोग जो है आपके खेतों तक न फटकें। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप भिंडी लगा रहे हैं तो भिंडी में कीटों के रोकथाम के लिए भी बीजोपचार होता है। वो बीजोपचार गाउचो नाम की एक दवा आती है, गाउचो से आप 1 किलो बीज में 9 मिलीलीटर दवा मिला करके और आप उच्चारित कीजिए, तो उसमें जो भिंडी में जो कीड़े लगते हैं वो कम लगेंगे या नहीं लगेंगे गाउचो से। तो इनके अलावा में किसान भाइयों, आप जो अन्य जो फसल करने चलते हैं, जैसे कि बैंगन लगाते हैं या मिर्च लगाते हैं, शिमला मिर्च लगाते हैं, तो उनके बिचड़ा का भी उपचार जो है सो बेविस्टिन से और कीट मारक दवा, जैसे कि आपको हो गया इमिडाक्लोप्रिड हो गया या मोनोकोटोफॉस हो गया, उनके द्वारा भी आप उस पौधे का उपचार करके, पौधे को अधिक नहीं, आपको 10 मिनट के लिए पूरे पौधे को डुबो के रखना है 1 लीटर पानी में। अगर इमिडाक्लोप्रिड है तो 1 ml, दूसरा दवा है तो 1.5 ml घोल करके आपका घोल तैयार, उस घोल में 10 मिनट के लिए पूरे पौधे को डुबा करके तब तो आप रोप दीजिए। इससे आपको कीट से बहुत दिनों तक अच्छा नियंत्रण मिलता है और कम खर्च में हो जाता है। ऐसे आप अगर दवा छिड़कने चलेगा तो सोचिए कि आपका जो क्षेत्र है 1 एकड़ या 1.5 एकड़ 2 एकड़ जो भी है उसमें कितना आपको लेबर लग जाएगा, दवा कितना लग जाएगा, लेकिन यहाँ उतना के पौधा आपको ट्रीटमेंट करने में कितना कम दवाई और कितना कम मेहनत में हो जा रहा है। इसके बाद अब आते हैं, जब आप खेतों में लगा देते हैं तब आपको सिंचाई की बात आती है। सिंचाई हमेशा गर्मी के मौसम में बहुत जरूरी है और जरूरी भरी नहीं है, आपको 5 से 7 दिन से ज़्यादा मौका कोई फसल नहीं देता है गर्मी का जी। उसमें भी अगर लत्तरदार सब्जियां हैं उनको आप थालों में लगाए हैं तो डायरेक्ट थालों में आप पानी पटाइए, ना कि पानी बहाव के मेथड से पटाइए। अगर अच्छा होगा कि आपके पास यदि ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था है उसकी व्यवस्था कर सके तो सबसे बेस्ट होगा, जो आपको कम पानी में और अच्छा खासा पटवन हो जाएगा और उससे खरपतवार जहाँ तक बनी रहेगी और जहाँ तहाँ जो खरपतवार निकलते हैं वो भी नहीं निकलेंगे, वो भी आपको जो हानि पहुँचाते हैं खरपतवार के द्वारा, जो हानियाँ हैं वो हानियों से भी हमारे फसल को सुरक्षा मिलती है। गर्मी का फसल अधिकतर सब्जी जो लगाते हैं हम लोग 2-1 या उसी के आसपास के खेतों में लगाते हैं, टाँड में नहीं करते हैं। इन खेतों में अगर आप भिंडी लगा रहे हो तो भिंडी में जस्ते की भारी कमी होती है, जिसके कारण कि पत्ता आप देखिएगा कि पत्ते पर जो उसका जो भेन है, भेन का बीज का जो जगह होता है वो पीला हो जाता है, वो जस्ते के कमी से होता है। इसके लिए आपको अपने खेतों में प्रति एकड़ 10 किलो जिंक सल्फेट डालना होगा वो लगाने के पहले। ये आपको निचला खेत में, यही अगर भिंडी की टाँड में बुआई की जगह तो समस्या वहाँ पर नहीं आती है झारखंड में। अच्छा, अगर आप नीचे में लगाते हैं तो नीचे के क्यारियों में लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होता, उसका समाधान यही है जिंक सल्फेट लगाइए। इसके सिवाय में आपके फल छोटे होते हैं, पत्तियां छोटी हैं या फल नहीं लगते हैं, कम लगते हैं किसी भी सब्जी में, उसके लिए आप बोरेक्स प्रति एकड़ 4 किलो अपने खेतों में लगाने के पहले आप डालें। ये 2 चीज़ जरूर ध्यान रखिए, बाकी आप जो खाद देते हैं वो आप दीजिए, उनके अलावा उस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी ज़्यादा उचित यहाँ पर नहीं है समय को देखते हुए। इसके बाद अब भाई जब फसल अब चालू हो जाती है आगे, तो इसके बाद अब मुख्य जो पेड़ पर जो रोग कीट लगते हैं उसके लिए हमारे फसलों में गर्मी में खास करके 2-3 प्रॉब्लम होता है। एक होता है लाल मकड़ी, किसी भी फसल में देखिए आप पत्ते के निचले हिस्से पर लाल हो कुछ रहता है जी जी। वो लाल मकड़ी है, वो एक मकड़ी नंगी आँखों से नहीं देखा जाता, उस सैकड़ों मक्खियां वहां पर होती हैं, मकड़ियां होती हैं, वो सब मिल करके एक बिंदु दिखाई देती है। तो उनसे रोकथाम के लिए आप काराथेन नाम की दवा 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके पत्ते के दोनों साइड में हर एक फसल में छिड़काव करें, ऊपर पत्ते के नीचे नीचे। ये तभी संभव है जब आप स्प्रेयर व्यवहार कीजिए, कोई झाड़ू से छिड़कता है ये धंधा बंद कीजिए। इनके अलावा में किसान भाइयों, किसी किसी फसल में पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, जैसे कि खीरा में लगता है, झिंगी में लगता है, तो इसके लिए आप रोगरोधी किस्म, जैसे खीरा का रोगरोधी किस्म है स्वर्ण अगेती, स्वर्ण शीतल, इसका प्रयोग कीजिए। झिंगी में स्वर्ण उपहार, स्वर्ण मंजरी, उसका प्रयोग कीजिए। नेनुआ में स्वर्ण प्रभा है, उसका प्रयोग कीजिए। तो ये टॉलरेंट मैंने कि या तो सहिष्णु है या रोगरोधी
हैं तो उसमें आपको रोग कम लगेगा, और नहीं तो अगर लग गया है किसी फसल में तो उसके लिए उपचार यही है कि आप फसलों पर घुलनशील सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर घोल करके दोनों साइड पत्ते का छिड़काव कीजिए तो आपको इस लाल मकड़ी से निजात मिलेगा। अन्य कीटों के लिए इमिडाक्लोप्रिड एक कंपनी बनाती है कॉन्फिडोर नाम के, और बहुत सारी कंपनियां इमिडाक्लोप्रिड बनाती हैं, कॉन्फिडोर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावकारी हमने प्रयोग के दौरान देखा है। कॉन्फिडोर का प्रयोग कीजिए, जरा महंगा दवाई भी होता है ये लेकिन अच्छा है, अच्छा है। और आप यदि जैसे कि एक उदाहरण बताता हूँ, भिंडी पर आप छिड़किए, आप उधर छिड़क रहे हैं, आप पौधे के नीचे देखिए कि कीड़े पड़े हुए हैं, माने तुरंत तत्काल जो है हाँ आपको उसका असर नजर आता है, नजर आता हाँ, तो इसलिए आप उसको रोकथाम के लिए आप इसका प्रयोग कीजिए और इस तरह से अपने खेतों को फसल सुरक्षा कीजिए। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आकर के हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताओ गौरी आनंद, आज की दोनों जानकारियाँ महत्वपूर्ण थी कि नहीं? हाँ पाठक बाबा, दोनों ही महत्वपूर्ण थी, बहुत अच्छी लगी ये जानकारी। हाँ तो आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी हमारे किसान भाई बहन को जरूर लाभ पहुँचाएगा। और किसी संबंधी किसी प्रकार की जानकारी के लिए किसान भाइयों आप हमें सीधे तौर पर लिख भी सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या है 8340001। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। जोहार।